हम कितने प्रकार के एनर्जी रिटेल की काम पे हैं, एलपीजी हम पहुंचाते हैं। आज शायद दुनिया की सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर बेस हमारी कंपनियों के पास है। लगभग 30 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर्स बनाने की रास्ता में हम लोग हैं। अभी शायद 29 करोड़ प्लस होगा, हम चंद दिनों में 30 करोड़ की ओर जाएंगे। हम दुनिया के सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट पीओएल के लिए भी हैं, पेट्रोल डीजल ये सब उपलब्ध कराने के लिए। सीबीजी की स्टैंड एलोन आउटलेट शुरू हो गया देश में। जैसे मैंने कहा कि एथेनॉल की 100% E100 वाला रिटेल आउटलेट भी शुरू हो गया। आने वाले दिनों में हम एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं, B20 2023 में ही शुरू कर देंगे हम लोग। 2025 तक देश में पूरा EBP20 का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। एलएनजी स्टेशन भी तेजी से बनना शुरू हुआ है। 1,000 एलएनजी स्टेशन देश में बनने की काम चल रही है। बैटरी स्वैपिंग में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारी रिटेल आउटलेट अपना अपना तरीके से विभिन्न मॉडल पे हम लोग प्लान बना रहे हैं। अभी सीएनजी व्हीकल्स के लिए आज हमें सुखद अनुभव हो रहा है। आज देश में इकट्ठा 201 मई महीने तक जो हिसाब हुई है उसमें 201 जो आज हमने लोकार्पित किया, जिसको इसको मिला के हमारी संख्या 3,142 3,142 सीएनजी स्टेशन आज। उसके साथ साथ ये जो एमआरयू मोबाइल रिफिलिंग यूनिट सीएनजी में, और ये तो अच्छा हुआ आज एक सूचना सार्वजनिक भी हुई, फिक्स सीएनजी स्टेशन से मोबाइल सीएनजी स्टेशन की कैपिटल कॉस्ट कम है। दिन में वो वहां खड़ा हो जाए रिटेल आउटलेट के पास, रात को घूम घूम के हाउसिंग सोसाइटी में भरे, लंच टाइम पे बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाए। इसमें दोहरी फायदा होगा कुल मिला के, जैसे मैंने कहा, और ऐसा हमारे अपेक्षा है। एलपीजी की भी मोबाइल रिफिलिंग यूनिट भी शुरू हो, डीजल की बाउजर तो चल ही रहा है, पेट्रोल की बाउजर भी दूर नहीं है, बैटरी स्वैपिंग की मोबाइल यूनिट को भी प्लान किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ बैटरी स्वैपिंग की यूनिट देखा ये भी एक मिड साइज ट्रक के ऊपर लोड होके चल सकता है। इसलिए हमारी सेक्टर में कंपनियां सरकार की हो या निजी क्षेत्र की हो, इनोवेटिव तरीके से एनर्जी रिटेलिंग की काम को मोबाइल बना देना, सर्विस एट डोर स्टेप, ये जो कल्पना, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, क्योंकि उसमें कोई दो मत नहीं है, वह बहुत लंबा चौड़ा विषय भी नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे चंद सालों में। दुनिया के कोई एनर्जी प्लेयर नहीं रहेंगे जो भारत में रुचि नहीं लेंगे, और हमारी यानी आप लोगों की सामूहिक ताकत से हम कई मामले में विश्व स्तर की मार्केटिंग बेस बना लिया है, कंज्यूमर बेस बना लिया है। अभी ईज देना है, ईज ऑफ लिविंग की ओर ले जाना है। हमारी जो शासन की, प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है
कि हम देश की नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग देनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं हम सभी की यह प्रयास उसी दिशा में है, इसलिए हमारी आत्मविश्वास और आत्मसंतोष दोनों आज है